स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये महाडिबेट। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित प्रजापति। तो अभी तो ये सिर्फ झांकी है, दरअसल पिक्चर अभी बाकी है। इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे, रिएक्शन भी लगातार सुनाएंगे। और चूंकि नारी शक्ति के सम्मान में अपर्णा मैदान में पूरा चुनाव नारी शक्ति के इर्द गिर्द, गेम चेंजर अगर कोई रहा तो नारी शक्ति इसकी रही। इसी को लेकर तह तक जाएंगे, पड़ताल भी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दावों और हकीकत के बीच का जो फासला है ना, वो जनता जनार्दन ही तय करती है। और जनता ने क्या तय किया है वो 3 तारीख को सामने होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं एग्जिट पोल से लेकर एग्जैक्ट पोल तक हर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर। और इसीलिए हमारी पूरी टीम ये कह रही है कि दावे कोई कितने भी कर ले, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वाकई माहौल दरअसल फिल्मी हो चला है। जिस तरह से अपर्णा ने जिक्र किया कि अलग अलग राइमिंग में और टाइमिंग में नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, जुबानी ट्रोल चल रहा है, रोल चल रहा है। और अब वही खबरें हम तमाम देखेंगे, कहीं से उठा के विधायकों को कहीं ले जाने की जो मशक्कत होगी उसकी कवायद अभी से शुरू हो गई है। यही वजह है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, दरअसल पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देखिए जैकेट सिलवाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, गजमालाओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन असल में कौन गजमाला पहनेगा और कौन जैकेट पहनेगा, नई नवेली जैकेट पहनेगा, वो तो 3 तारीख को ही साफ होगा। लेकिन किस तरह से दावे किए जा रहे हैं और एग्जिट पोल के बाद किस तरह गदगद है बीजेपी का खेमा, सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, पहले जरा वो सुन लीजिए। माननीय जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं ग्वालियर में, उनका हृदय से स्वागत है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है, उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। तो ये आपने सुना, जन जन में मोदी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी। यही वजह है कि मोदी गारंटी दी गई, गारंटी दी गई, वादे से ज्यादा पहुंचकर गारंटी दी गई। और उसका कहीं ना कहीं असर कैंपेनिंग के दौरान ये नजर भी आया। अब रिएक्शन का दौर भी चल रहा है, महा एग्जिट पोल भी हमने आपको बता दिया क्या कुछ कमलनाथ कह रहे हैं, वो सुन लेना बहुत जरूरी है। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं, भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही। तो आयरनी देख लीजिए, एग्जिट पोल जिसके हक में आ रहा है वो कह रहा है हम इससे ज्यादा जीत रहे हैं, और जिसके
हक में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि नंबर कहीं ज्यादा हमारे पक्ष में होंगे, आप एग्जिट पोल पर यकीन मत कीजिए। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, यहां जो ज्यादातर एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार फिर से राज्य में आ रही है, बीजेपी के भी अच्छे खासे नंबर की बढ़त है, लेकिन यहां भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं अब वो सुन लीजिए। लेकिन दो दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे, तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से, ठीक है, उससे और अधिक जाएगा, वो जो 57 है ना वो 75 इधर उधर होगा। सर सर पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। तो दरअसल खेल कुर्सी का है और मामला कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस भूपेश बघेल भी दिखा रहे हैं कि दो दिन बाद सारे पोल एक जैसे हो जाएंगे, वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है डॉक्टर रमन सिंह में, जिनके पास सत्ता तकरीबन 15 साल रही। नतीजे से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत के आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है, और 59 सीट से नीचे आते आते दो एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। तो एक बार फिर जान लीजिए कि कई लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये चुनाव खास होने जा रहे हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जो इलाके रहे हैं, अपर्णा ने उन्हें खंगाला है, उन्हें छाना है, मानस की पड़ताल की है, लोगों के दिमाग की तहकीकात की है, और इसके बाद हम ये तमाम चीजें एक साथ इतने विश्लेषण और बारीकी के साथ आपके पास लेकर आए हैं। तो ना सिर्फ यहां पर ललित हमने किया है, मैंने या ललित ने किया है, बल्कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स, क्योंकि देखिए न्यूज 18 नेटवर्क के तमाम रिपोर्टर्स हर जगह पहुंचे, वहां के लोगों से बातचीत की, और उसके बाद जाकर हमने अपने तमाम प्रोग्राम्स के जरिए, अपनी रिपोर्ट्स के जरिए वहां की हकीकत क्या है, वहां का वोटर क्या कह रहा है वो आप तक पहुंचाया है, और अब किस तरह से बैठकों का दौर जारी है उसको लेकर भी हमारे तमाम रिपोर्टर्स हम तक इनपुट पहुंचा रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको हो रही है अपने राज्य में होने वाली हर हलचल की खबर। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव रहे, मध्य प्रदेश के लिहाज से चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल, हमने कल सबसे पहले आपको एग्जिट पोल दिखाया, उसके बाद हमने आपको दिखाया पोल ऑफ पोल्स, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होती नजर आती है, लेकिन सीटों का जो मार्जिन है वो घटता हुआ, जो एक लंबा गहरा गैप था दोनों पार्टियों के बीच वो कम होता हुआ। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की बीजेपी की वापसी इस महा एग्जिट पोल के मुताबिक है, हालांकि अलग अलग बयान, मैंने जैसा शुरुआत में आपको कहा कि अब बयानबाजी का एक सिलसिला चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर चीज को बहुत बारीकी से आप तक पहुंचाएगा, हर सीट के डिटेल्स आप तक पहुंचाएगा, और उससे पहले होने वाले बयानबाजी को भी बहुत करीब से समझेंगे, महसूस करेंगे सिर्फ आपके लिए। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जो लगातार डालेंगे नजर और बताएंगे हमें विश्लेषण करके कि आखिरकार जो अब नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है उस पर एग्जिट पोल ने कितना एग्जैक्ट असर डाला है, या फिर उनके पास है एग्जैक्ट खबर है उनके पास। तो लगातार खास मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उसके बाद चर्चा के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ हम अभी करवा देंगे, और उसके अलावा राजनीति के जो जानकार हैं ब्रजगोपाल लोया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोया साहब का बहुत बहुत स्वागत, उनके जरिए भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, सीधे वो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं जी। लेकिन ब्रजगोपाल जी, पहला सवाल मैं आपसे लूं, उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में ही, और उनका मैं परिचय करवा देती हूं आपको। हमारे साथ राणा सर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, संजय राणा जी हैं,
और वस साहब भी हैं, कल नाराज हो रहे थे कि ज़्यादा वक्त हमने नहीं दे पाए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। मैं आपके पास आऊं से पहले लोया साहब, मेरा सवाल आपसे है, नंबर्स जिस राज्य में आपके फेवर में है वहाँ तो बीजेपी के तमाम नेता गदगद हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहाँ नंबर फेवर में नहीं है तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि देखिए तस्वीर कुछ और होगी, ऐसा क्यों? में है वहां भी और जहां नंबर हमारे फेवर में नहीं है वहां भी। हम जिन किसी ने एग्जिट पोल किया है उन सब का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये भी एक कला है, ये एक आर्ट है, सैफोलॉजी भी अपने आप में एक आर्ट है। आपने जो किया है उसका बड़ा अभिनंदन है, स्वागत है, परंतु हमारा विश्वास किसी में नहीं है। ना ओपिनियन पोल के भरोसे हम राजनीति करते हैं, ना एग्जिट पोल के भरोसे करते हैं। हमारा मानना बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश में किसी भी जगह हर बूथ पर मौजूद है। मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ है और उन बूथों पर मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, वहां उसका महामंत्री है, BLA है और 11 लोगों की टीम हर बूथ पर हमारे पास है। तो इसलिए हमें किसी से सूचनाएं लेने की आवश्यकता नहीं है, हम पे खुद सूचनाएं बहुत है और उस आधार पर हम तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि जो लोग अभी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं उससे भी बहुत बेहतर परिणाम आने वाला है। मैं लगातार पिछले 3 माह से कह रहा हूँ, अन्य चैनलों पर कहा है, आपके साथ भी एक आध बार कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 154 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है और ये जो सत्य है उसे कोई प्रमाणित करे या ना करे, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 3 तारीख को सारा सत्य जनता के बीच आना है। आपको याद होगा कि 2019 में भी सारे चैनल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 225-235 सीट दे रहे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट जीतने का काम किया। तो हम अभिनंदन सबका करते हैं, किसी का हम विरोध नहीं करते हैं, और इसलिए नहीं कि आपने हमारे पक्ष में दिया है तो हम प्रसन्न हो जाएं, आपने हमारे खिलाफ दिया है तो हम नाखुश हो जाएं। नहीं, हमने जनता के बीच काम किया है, लगातार जनता के बीच। हाँ, लोया साहब, एक बड़ा डाउट है, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस गजब का है, संगठन की आपकी जो कार्यशैली है वो भी गजब की है। जब दूसरी पार्टियां चर्चा विधानसभा स्तर पर कर रही होती हैं, आप चर्चा कर रहे होते हैं बूथ को भेदने पर, बहुत अच्छा। क्या ये कॉन्फिडेंस वैसा ना साबित हो जैसा कर्नाटक में हुआ? देखिए, हम फिर से कहते हैं, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। हम हार कर जीतने वालों में से हैं। हम तो एक समय केवल देश में 2 सीटों पर थे, आज 303 सीटों पर हैं। जब 2 पर थे तब उसका हमें गम नहीं था और आज 303 पर है तो उसका अहंकार नहीं है, परंतु ये सच है कि जनता उसे जिताती है जो जनता के साथ दिखाई देता है, जो जनता के कल्याण के लिए काम करता है, जो विकास करता है। केवल केवल अपने आत्मविश्वास के कारण अतिरेक में आप अगर अपने जीतने की कल्पना कर रहे हैं तो गलत है। पहले अपना रिकॉर्ड चेक करिए कि आपने जनता के लिए किया क्या है। ठीक। तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये बात सही है लोया साहब। अभिनव बरौलिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, स्वागत बरौलिया साहब का। इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अभय नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मेहमान इसी तरह से जुड़ते जाएंगे, उनके पास हम चर्चा के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कांग्रेस के लिए सवाल आपके पास, सपना। बिल्कुल, सवाल यहीं पर यही है अभिनव जी, मैं लगातार पूछ भी रही हूँ अपने तमाम डिबेट्स के जरिए कांग्रेस के मेहमानों से, जितना भी मैं MP में मिली कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से, 130 से 140 सीटें, 150 से ऊपर की भी बात कही गई, लेकिन जो एग्जिट पोल की जो फिगर सामने आई है वो कहीं से भी उत्साहजनक कांग्रेस खेमे के लिए तो नहीं है। तो क्या लग रहा है कि तस्वीर बिल्कुल विपरीत होगी एग्जैक्ट पोल में? बरौलिया जी, ताने जो आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी कि एग्जिट पोल आया है, हम सबका सम्मान करते हैं, सारी चीज़ें एग्जिट पोल आते हैं और लोग मेहनत से निकालते हैं, 10-15 हज़ार लोगों का सैंपल लेते हैं, उसके बाद बड़ी मेहनत से उसको रिफाइन करते हैं और फिर बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, होना चाहिए, क्योंकि लोगों का उत्साह रहता है कि होना क्या, एक्चुअली चुनाव के पहले थोड़ी उत्सुकता रहती है लोगों में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने 17 तारीख को प्रदेश की जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, 20 साल की जो एक भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उसको एग्जिट कर दिया है, पूरे तरीके से एग्जिट कर दिया है। अब वो नहीं चाहती कि यहाँ पर वो सरकार आए, क्योंकि यहाँ का हर वर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, दलित वर्ग परेशान है, आदिवासी वर्ग परेशान है, हर वर्ग
यहाँ पे चेंज चाहता है। आपने देखा होगा नर्सिंग स्टूडेंट्स की पिटाई हुई, यहाँ पे संविदा कर्मचारियों की पिटाई हुई, आदिवासी पर पेशाब हुई, दलित की हत्या हुई, लगातार हर वर्ग। बहुत बेहतरीन बात परवलिया साहब आपने याद दिलाई, आपने सम्मान किया सैंपल का, वैज्ञानिक तरीके का, आप वैज्ञानिक जो भी इसके मेथड्स होते हैं उस सम्मान पर मेरा डबल सम्मान। सवाल ये कि जब 18 साल की सत्ता विरोधी लहर उसको हम तब्दील ना कर पाए वोट में, तो रणनीतिक चूक है आपकी। जी नहीं, अभी रिजल्ट का आया है सर, अभी रिजल्ट को आने दीजिए। मैं पोल के लिहाज से ये मैं समझ गया, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए कल ही देखिए पूरे देश की जनता के बीच में चर्चा, हाँ मैं बता रहा हूँ, चर्चा ही कर रहा हूँ आपसे, पूरे देश के बीच में चर्चा चल रही है कि कैसा एग्जिट पोल है, कि जैसे एग्जिट पोल आया किसी का उसने 160 सीटें दिखाई और तत्काल आधे घंटे बाद उसी चैनल के हेड ने वो पूरा वीडियो वायरल हुआ, पूरे जनता के बीच में वो वीडियो है कि अरे क्या कर रहे हो भैया, ये हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये जनता के बीच में चर्चा का विषय है, मीडिया पे सवालिया निशान लगा है। तमाम चर्चाओं के बीच चर्चा जो कांग्रेस के खेमे में हो रही थी कि देखिए इस बार गजब लहर है कांग्रेस के पक्ष में, मैं नहीं कह रही कि एग्जिट पोल पर विश्वास कीजिए, सुन लीजिए सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एग्जिट पोल पर विश्वास कीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर कांग्रेस की वाकई ऐसी लहर थी तो फिर वो एग्जिट पोल में क्यों नहीं दिखी। सैंपल साइज को लेकर आपके सवाल भले ही हो सकते हैं लेकिन एग्जिट पोल में कुछ तो ट्रेलर मिलता ना सर। आऊंगी लौटूंगी आपके पास, बाकी और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स साहब, कल भी हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे, आज भी कह रहे थे नतीजे पक्ष में आए तो बहुत बढ़िया, नतीजे नहीं आए पक्ष में तो फिर थू थू थू। नतीजे नहीं आए पक्ष में तो मीठा मीठा गप गप बाकी कड़वा कड़वा थू थू। ये तो बहुत पुरानी कहावत है और ये सच भी है, लेकिन जिस तरीके देखिए, एक पोल अगर कहता तो मान लेते कि तुक्का है, लेकिन ये जितने पोल हैं शायद एक को छोड़ के जिसने दिखाया है कि मध्य प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बीजेपी आ रही है, तो इट इज 4-1, तो इसको तो मानना ही होगा। और अगर ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है तो मैं समझता हूं सल्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सल्यूट टू ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने 18 साल की इनकम्बेंसी को खत्म करके और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में लाकर पार्टी को खड़ा किया है। और वहां की जनता को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीति और पर भरोसा किया, कार्यशैली पर भरोसा किया और आगे भी उन्हीं के हाथ में अपने को सुरक्षित समझा है। तो गारंटी गारंटी के लिहाज से देखा है तो अभी भी एक ही नाम जो चेहरे थे या जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, बाद में प्रधानमंत्री ने कहा या कार्यशैली इस तरह की रही कि अब मैं चीजों को देखता हूं। अभय नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, सवाल आपसे ये, छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर स्थितियां डावाडोल, सर्वे के हिसाब से राजस्थान में ज्यादा पेच फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कम पेच फंसा हुआ है बीजेपी के लिहाज से, आपका क्विक रिएक्शन फिर अगला सवाल। जी प्लीज। देखिए एग्जिट पोल हर चुनाव के पहले आते हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं और कई बार सिद्ध होते हैं और कई बार गलत सिद्ध होते हैं। एग्जिट पोल को लेकर जो रुझान दिख रहा है कि जनता ने दोनों ही पार्टियों को जैसा उचित समझा वैसा स्थान दिया है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते दिख रही है लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर सब जगह चर्चा है, छत्तीसगढ़ में भी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, अंतिम दिन तक चुनाव के दिन तक सारी जो खबर आ रही थी वो कांग्रेस की आ रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। हाँ। तो हम तो इसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि रिजल्ट जब आएगा उस दिन मानेंगे, जब एग्जिट पोल आएगा जी। लेकिन एग्जिट पोल पे ये समझ में आता है कि जो लोग भी सैंपल लेते हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, इसको मानना और नहीं मानना दोनों आपके ऊपर है। और आज हम डिबेट इसी में कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनेगी जी। तो यही दावा जो किया जा रहा है
और इसी दावे पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब भी चर्चा होगी, आप तमाम मेहमान जुड़ेंगे और एग्जिट पोल का जो अनुमान है उस पर भी हम चर्चा करें, और जो एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल के बीच का है पिक्चर अभी बाकी है वाला सीन उस पर भी हम चर्चा करें। संजय राणा साहब, सर सिंपल सी एक बात हो जाती है यहाँ पर कि सबने ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई हम जैकेट सिलवा रहे हैं, सूट सिलवा रहे हैं, मालाओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन इस बीच में मंथन तो चल ही रहा होगा, तभी कमलनाथ को सामने आकर कहना पड़ा है कि कार्यकर्ता निराश ना हो, 3 तारीख को हमारी ही सरकार बन रही है, बस आपको डटकर काम करना है। अपना गुड इवनिंग फेलो पेन, देखिए ऐसा होता है कि एग्जिट पोल है, उसको एग्जिट पोल अगर हम मान भी लें तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसके पक्ष में जा रहा है, किसके विपक्ष में जा रहा है, और जिसके विपक्ष में जा रहा है उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। देखिए जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश में 3-4 महीने पहले का समीकरण कुछ और था, नो डाउट ये कह सकते हैं इनकी लहर थी, लहर तो कहीं नहीं थी, लेकिन एक लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसको किस तरह से कम किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए खत्म कर दिया गया, जी जी वही देखिए कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया हमारे जैसे प्रबुल मित्र ने कहा, तो देखिए उसको खत्म करने के लिए आपको प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी। अब देखिए एक राजनीतिक पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है, प्लानिंग बना रही है, उसको एग्जीक्यूट कर रही है, और दूसरी राजनीतिक पार्टी सिर्फ बातें कर रही है, तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। देखिए आपने ज्यादा दूर नहीं 20 दिन पहले का पन्ना जी उठा के देख लीजिए कि कमलनाथ जी के स्टेटमेंट क्या है, 25 दिन पहले के उठा के देख लीजिए अपने क्षेत्र में जहां से वो कितने साल से सांसद हैं उसमें भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये दर्शा देता है कि आपके पक्ष में जनता है कि नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वहां का जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पॉपुलरिटी कितनी है। देखिए 18 साल 20 साल किसी भी जगह पर कोई आदमी राज कर ले तो कहीं ना कहीं उसके लिए विरोध के स्वर उठने लगते हैं, लेकिन आज भी जो महिला है, जो महिला वोटर है, जो हम कहा जाता है कि देश की आधी आबादी है या प्रदेश की आधी आबादी है, वो उनके पक्ष में रो रही है, गा रही है, उनको भाई बुला रही है, मामा बुला रही है, तो कहीं ना कहीं उस नेता की बात को हमें मानना पड़ेगा। और जिस तरह से उन्होंने योजना को लागू किया, जो लाडली बहना, देखिए एक कहते हैं मास्टर संजय राणा सर, मैं एक आपके इस जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें मैं एक एड ऑन चाह रहा था। आपने बहुत अच्छा ये जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान का जो माहौल है ये बात सही है, कई जगह ये बात भी साफ हुई है कि लोग सरकार से नाराज थे, 2020 के घटनाक्रम से नाराज थे, वो मंत्रियों से नाराज थे, पर शिवराज सिंह चौहान साहब से नाराजगी नहीं थी। अगर उनके चेहरे को रखा जाता तो क्या ये जो 1 और 2 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि नहीं मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां हैं, कांटे की टक्कर है, कांग्रेस की एज है, वो भी बदले हुए होते। देखिए मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं आपके ऐड में, एक और ऐड। देखिए ऐसा है कि आज उत्तर इस पूरे देश में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो एक चेहरा हमें नजर आता है, वो मोदी जी का चेहरा, चाहे आप हो या हम सबको पता है, उस चेहरे पे ही सारे चुनाव होते रहे। ये बता जी उत्तर प्रदेश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या उनको अपने बल पे वोट मिल सकता था? सिर्फ 10% को माइनस कर दीजिए, सारे कमल के निशान मोदी के नाम पे जीत के आए, कोई अपने बल पे नहीं जीत के आए। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी अपना रही थी, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, लेकिन क्या होता ना हम ए प्लान बी प्लान सी रखते हैं, एक प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे थे उनको लगा फेल हो सकता है, इसलिए तुरंत वापस प्लान बी पे आ गए जो उनका मुख्य प्लान था कि आगे कर दिया जाए। तो देखिए आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए शिवराज सिंह चौहान साहब की, वो बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है कि वो चुनाव जीता है, वो दर्शाता है कि वो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल इसी बात को थोड़ा कंटिन्यूएशन में ले जाते हुए, क्योंकि सिलसिला निकल ही पड़ा है। मनीष वोरा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल को लेकर। अगर हर स्ट्रैटेजी का जवाब, विपक्ष की हर स्ट्रैटेजी का जवाब नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो ये बीजेपी के लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन ऐसे तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं, फिर तो लड़ना ही छोड़ दे, क्योंकि पता है करेंगे कुछ नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी उतर जाएंगे प्रचार में तो जीत मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है, मैं बोलूं? Can I speak? सर बोरा साहब से पूछा सवाल, आपके पास आ रहा हूं। मुझसे सवाल पूछो। देखिए सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत तो मोदी का चेहरा सामने किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसको उन्होंने आगे किया। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी कि हमको मोदी को सबसे आगे करना है। देखिए सभी जगह उन्होंने, देखिए राजस्थान की हम बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी जगह उन्होंने जो उनके स्थानीय नेता थे, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी हो, ये सारे चेहरों को उन्होंने एक तरफ पीछे रखा और मोदी के चेहरे सीधे तौर पर सामने रखा। लेकिन जब उनको इस बात को समझ में आया
कि हमको सीधे तौर पर मुझे और मोदी का चेहरा सामने रख करके उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल गई है। उन्होंने कहीं पर स्ट्रेटेजी को बदला और बदलने के बाद में जो है वो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर रमन सिंह जी को भी सामने लेकर के आए, वहां से वसुंधरा राजे को भी सामने लेकर के आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति बदलने के बाद उनको यहाँ पर फायदा हुआ है। सीधे तौर पर ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं वो इसको इशारा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण जो भाजपा का है वो आज भी मोदी है, उसी चेहरे पर लेकर वो चुनाव लड़े। और देखिए एक महत्वपूर्ण चीज और ये है कि मोदी का विश्वसनीयता महिलाओं में बहुत ज्यादा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की अगर हम स्पेशली बात करें तो महाकाली बंधन योजना को यहाँ पर लेकर के आई, जिसमें प्रति साल उन्होंने 12,000 रुपए हर महिलाओं को देने की बात करी थी, तो उस योजना का फायदा सीधा सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके साथ में मोदी की गारंटी जुड़ी, तो ये दोनों चीजों को एक साथ कंबाइन होने से भाजपा को यहाँ पर बड़ा गेन मिला। जी वत्स सर भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए अभी जो इन्होंने कहा कि कोई कुछ ना करे और मोदी जी के नाम पे जीत जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2024 में जिन एमपीज ने अपने इलाके में अपने लोगों की अवहेलना की है या उन लोगों के या तो उनके टिकट बदल दिए जाएंगे और नहीं तो वो हार जाएंगे। सही है। अब ये 14 और 19 वाला वेव नहीं है, अब कुछ काम भी करना होगा। और मोदी जी अगर गए हैं लोगों के पास या एमपी में उन्होंने पासा पलट दिया है या राजस्थान में उन्होंने पासा पलट दिया है, तो काम के बदौलत जो काम वहां के लोगों को अंतिम पायदान के लोगों को जो राहत मिली है, जो आज तक नेता सिर्फ बातें ही बनाते थे राहत देने का काम नहीं करते थे, वो राहत जो मिली है वो बहुत बड़ा फैक्टर सर। लेकिन इसमें मैं एक और बात सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वाकई योजनाओं ने इतनी राहत दी या काम ने इतना प्रभावित जनता को वहां पर किया है, तो फिर आखिरी वक्त पर नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार, और ये तक कहा गया सियासी जानकारों की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंच से खुले तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से या उनकी योजनाओं का जिक्र करने से बचे। देखिए ये बात आपका कहना जायज है, शुरू में अभी आपके साथी कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान से लोग नाराज नहीं थे, मैं उनकी इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई था, और अगर हाई था तो सबसे ज्यादा हाई चीफ मिनिस्टर के नाम पे था। मामा जी लोग करते थे लेकिन मामा जी के साथ थे नहीं। उस टाइड को अगर किसी ने टर्न किया है तो सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी वन मैन रोड रोल, दैट वॉज नरेंद्र मोदी एंड हिज करिश्मा। आज भी इसमें कोई शक नहीं है कि अक्रॉस द कंट्री अगर कोई एक कद्दावर नेता है जिसके पीछे भारत की जनता आंख मूंद के खड़ी हो जाती है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लोगों को उन पर विश्वास है, उनके कर्मों पर विश्वास है, उनके कार्यशैली पर विश्वास है, उन्होंने जिस तरीके से देश और विदेश में भारत का झंडा गाड़ा है उस पर गर्व है, और उसके इसीलिए वो उनके साथ खड़े हैं। और उनके साथ जो भी उस जहाज के साथ जो भी छोटी नैया जुड़ जाती है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। वन मैन आर्मी एक शब्द, निश्चय वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन राणा सर 30 सेकंड में आपका कमेंट। वन मैन आर्मी की व्यवस्था डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में क्या देखी जा सकती है, अगर हर काम एक ही व्यक्ति को करना है तो? देखिए ऐसा होता है कि वन मैन आर्मी की जब हम बात करते हैं तो आर्मी कौन होता है, आर्मी का कमांडेंट कौन होता है, सीओ होता है। जैसे आपके चैनल के कमांडेंट या कोई तो सीओ होंगे, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट आप लोग सब लोग करते हैं। न्यूज 18 की बात कर ले और आपका चेहरा ऐड कर ले तो वैल्यू ऐड हो जाता है ना, न्यूज 18 का अपना नाम है और आपका चेहरा है तो 1+1=2 हो जाता है। तो मैं बीजेपी जी, तो वही है कि अगर मान लीजिए कि मोदी जी कहीं भी जाकर के इन्फ्लुएंस करते, मैं आपको 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं एग्जांपल के साथ, जो कर्नाटका के चुनाव हुए तो 2014 वाली दशा होने वाली थी, कम से कम उनके पास 30 से 32 सीट आती, लेकिन ये सुनामी ने सीट को इज्जत बचा ली, सीट को बढ़ा दिया। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के चुनाव, छत्तीसगढ़ में आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ काम किया? हमें नहीं लगता, लेकिन आखिरी के 3 महीने में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आया है, जो काम करने की शैली आई है, कहीं ना कहीं जोश भरने का काम होता है नेता का, नेतृत्व का। डेमोक्रेसी पॉलिसी में हम लोग बोल सकते हैं कि एक वन मैन आर्मी है,
लेकिन उसके लोग अंडर काम करते, हो सकता हो फेस बहुत बड़ा हो गया हो तो फेस वैल्यू बन जाती है, और कोई नहीं देश में विदेश में फेस वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है जो काम कर रहे हैं, तो काम तो हो ही रहा है देश में। बिल्कुल, निश्चय वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, वाजपेयी जी वन मैन आर्मी की यहाँ पर बात हो रही है। कांग्रेस के अंदर जब सवाल उठते हैं तो कांग्रेस ये कहकर बचाव करती है कि भाई देखिए हमारे पार्टी के अंदर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसीलिए मंच से हमारे नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात भी कह देते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के अंदर जब बात होती है तो काडर में इतना अनुशासन है कि भले ही कुछ भी हो जाए, टिकट कट जाए, अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। ये व्यवस्था है तभी ये नतीजा है क्या? देखिए, पहली चीज तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए, अंत्योदय के लिए और गरीब की सहूलियत के लिए लक्ष्य लेकर के काम करने वाली पार्टी है, ये हमारा विचार है और सभी कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। भारत माता को परम वैभव के शीर्ष पर पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है, तो इसलिए चूंकि एक विचार से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए वो हर परिस्थिति में आपको विचार के लिए काम करते दिखते हैं। जहाँ तक अगर हम एग्जिट पोल की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि अगर उनके हायर सीट्स को जो कांग्रेस को दी है उन्होंने, उसको आप देखेंगे तो कांग्रेस सरकार बना रही है, मगर उसी में जो कांग्रेस को उन्होंने लोअर वाला बैंड में अगर आप देखते हैं तो वो विपक्ष में बैठ रहे हैं। वहीं पे ज़्यादातर एग्जिट पोल में अगर बीजेपी की हायर साइड की जो सीट्स को देखेंगे तो बीजेपी सरकार में आ रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको संकेतों के रूप में देखना चाहिए कि कशमकश की लड़ाई है और जिसमें भाजपा की भी सरकार बन सकती है और कांग्रेस की बन सकती है, ऐसा एग्जिट पोल का कहना है। ठीक, आपने परम वैभव का जिक्र किया, पहला सवाल उसी परम वैभव को लेकर। ऐसा लगता है परम वैभव पे पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे आपने दे रखी है। एक बात, तकरीबन 4 साल लगभग निष्क्रिय अवस्था में आप रहे, बदलाव आपके यहां ऐसे होते थे डी पुरंदेश्वरी कुछ कार्यक्रम समझा रही है नड्डा साहब को, और उधर से उरांव साहब का लेटर चला आया कि आपको प्रभार से हटा दिया गया। ये कैसी स्थितियां थी वाजपेयी साहब? देखिए, अकेले नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके प्रति लोगों का प्रेम इतना है कि वो सर्वत्र व्याप्त दिखते हैं, तो हम सबके लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है, और ये मैं इसको सरासर नकारूंगा इस बात को कि हमने 4 साल काम नहीं किया या 5 साल काम नहीं किया। जमीनी जो काम होता है, विज्ञापन नहीं दिखा आपको, हमारे यहाँ विज्ञापन की सरकार थी जिसने झूठे विज्ञापन बहुत छापे हैं, इसलिए उस चकाचौंध में हो सकता है आप लोग को दिग्भ्रम हुआ हो। मैं जिस पॉइंट को कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ तो जितने इन्होंने काम किया, अगर हम लोगों ने सड़कों की लड़ाई लड़ी नहीं होती तो वो सारे के सारे वर्ग आकर के जहाँ पे बोल रहे थे एक तरफा इनकी आंधी चलेगी 75 पार का नारा दे रहे थे, एग्जिट पोल ने बता दिया ये एक तरफा स्थिति कुछ भी नहीं है, कशमकश है, तो वो कैसे है कार्यकर्ताओं के ही नारे और नारे के बाद की तस्वीर आप ना ही जाइए, क्योंकि 2018 में नारा तो आपका भी ऐसा ही था। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हुए प्रदीप जोशी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, विज्ञापन देकर दिग्भ्रमित किया तभी बीजेपी की सक्रियता का अंदाजा नहीं हुआ, ये कह रहे थे वाजपेयी जी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा कि वाकई छत्तीसगढ़ के लिहाज से कि सच में आखिर के 1.5 साल के दौरान ही एक्टिव जमीन पर नजर आई है बीजेपी, और वो भी तब जब आरएसएस ने उसके लिए पहले पूरी फील्ड तैयार, पूरी पिच तैयार करी उसके बाद उतरी। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा तो लगता ही है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे परिदृश्य में एमपी छत्तीसगढ़ के अगर पूर्व परिदृश्य में नजर डालें तो आरएसएस कहीं बिहाइंड कर्टन भी उनकी ऐसी भूमिका नजर नहीं आई जो आम तौर पर चुनाव में नजर आती थी। जी जी, प्रदीप जोशी साहब, एक सवाल मध्य प्रदेश को लेकर भी। मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, कई जगह क्लियर मैंडेट 127 के करीब करीब बीजेपी को दिखाया जा रहा है, अगर एक पोल ऑफ पोल्स को देखा जाए, बीजेपी का दावा है कि वो इससे कहीं और जाने वाले हैं, कॉन्फिडेंट हैं, गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, क्या इस तरह की स्थितियां भी हैं जोशी साहब? पहले तो मैं जो दावा कर रहे हैं उनके चेहरों की रंगत में देख रहा हूं पिछले 8 दिन से, ठीक, जब से मतदान हुआ है, मतदान के बाद ये पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें रिजल्ट के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक,
अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते तो उनके चेहरों की रंगत कुछ अलग बताती। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, सर्वे क्या बता रहे हैं, ये दीगर बात हो सकती है, पर बड़े नेताओं के चुनाव में फंसने का और जो अपनी अपनी सीट पर उलझे रहे हैं और जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि इनको इसलिए चुनाव मैदान में उतारा गया है कि ये अपनी सीट तो बचाएंगे ही, आसपास की जिले की 8-10-12 सीटों पर और प्रभाव डालेंगे, तो ये तो अपनी विधानसभा सीट के ऊपर इतने उलझ के रह गए कि कौन कौन लग रहा कार्यकर्ता भी हैरान परेशान थे इनको। विजयवर्गीय साहब हैं, सारे दिमनी से अपने तोमर साहब थे, कौन कौन आपको लग रहे हैं जी? अपने अकेले मालवा निमाड़ जो सत्ता की चाबी माना जाता है उसमें 11 सीटें फंसी हुई है जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, खुद अगर मैं कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करूं तो कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है वो पार्टी के, सही है। उन्होंने मालवा निमाड़ सहित महाकौशल में 45 ऐसी सीटों के ऊपर उन्होंने कैंपेनिंग की है ताकि वो समय से अपनी सीट पे, मतलब विधानसभा इंदौर 1 पर तुरंत लौट सके शाम के पहले। ठीक, तो एक चुनाव में कहीं फंसावट तो थी, जो चुनाव फंसा हुआ था फिर निकल कैसे गया? नहीं, अभी इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि वो निकल गया है, चुनाव फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री मालवा निमाड़ के जो माने जाते हैं जी, वो सब उषा ठाकुर जी त्रिकोणीय संघर्ष में है, ओम प्रकाश सकलेचा त्रिकोणीय संघर्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं विक्रम वर्मा, वो चतुर्थकोणीय संघर्ष में धार सीट के ऊपर, उनकी पत्नी नीना वर्मा जी जो है वो प्रत्याशी हैं, वो चतुर्थकोणीय संघर्ष के अंदर उलझी हुई हैं। बात कर रहे थे प्रदीप जी लगातार, हमने भी ये देखा है जब हम ग्राउंड पर निकले हैं कवर करने के लिए कि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला फंसा हुआ है, कई जगह पर ऐसा हो गया है कि जहां बड़े बड़े चेहरे हैं उनके लिए भी उन दिक्कत हो रही है, ये हमने देखा है, खुद हमने देखा है जी। आलोक जी, मैं इसी पर चाहूंगी कमेंट आपसे कि जो ये कल तक एग्जिट पोल से पहले तक माना जा रहा था कि सीटें फंसी हुई है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद वो तमाम सीटें जिनकी फंसी हुई थी वो चेहरे भी खिले हुए दिखे, क्या वो अभी से आश्वस्त हो गए बिना रिजल्ट देखे कि हाँ भाई निकाल ली हमने सीट? देखिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हिम्मत बढ़ा के रखना चाहिए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है जी। और एक चीज आपको याद दिला दूं, एक बार ऐसा ही सर्वे आया था और हमारे प्रदेश के लालू यादव ने चादर ओढ़ के ठंडी में बोला था कि अभी जिन निकलना बाकी है, अब वाकई में जिन निकल गया, सारी सर्वे फेल हो गई। तो अभी ठीक है, कीप कॉन्फिडेंस बट डोंट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह से बचना है, इसे चाहे तो ज्योतिषीय सलाह समझ लिया जाए। बहरहाल, अभिनव बरोलिया साहब आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, 30 सीटें तकरीबन मध्य प्रदेश में ऐसी जिनका मार्जिन 1000 के आसपास है, क्या कांग्रेस की यह चिंता है कि वहां पर कोई खेला हो सकता है, पश्चिम बंगाल वाला नहीं, वहां पर कोई खेला हो सकता है, और यही वजह है कि कमलनाथ आकर कह रहे हैं कि नहीं कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है? बरोलिया साहब, चलिए ये सवाल रहेगा, आगे भी हम इसी तरह के सवाल पूछेंगे। अभय नारायण राव साहब, मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन, कांग्रेस से चुके आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं, तकरीबन 30 सीटें, 1000 का मार्जिन है, छत्तीसगढ़ में कई ऐसी सीटें हैं जहां इसी तरह का मार्जिन है, कम से कम 20 सीट ऐसी हैं जो इसी मार्जिन के आसपास झूलती हैं, 1000 के आसपास, क्या वहां पर किसी खेल का डर लग रहा है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को किसी प्रकार के खेल का डर नहीं है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी मजबूत है, कांग्रेस का नेतृत्व इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी तो सामने है ही नहीं है। वाजपेयी जी अभी कह रहे थे कि हायर सीटें लोअर सीटें, वो भारतीय जनता पार्टी की हायर लोअर सब जोड़ ले तो 25 के ऊपर संख्या जाने वाली नहीं है, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसका स्पष्ट संदेश है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बन रही है। रहा संख्या बल का सवाल, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कमजोर विपक्ष, तो हो सकता है विपक्ष कुछ मजबूत कर दे, 14 के 25 हो जाए, 28 हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुगालते में न रहे,
और खेला का डर, तो भारतीय जनता पार्टी से हम सत्ता में रह के देखे हैं कि किस तरह चुनाव के दरमियान ईडी और आईडी का दुरुपयोग किया गया, किस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह आकर ताबड़तोड़ सभा करके झूठ बोलते रहे, 9 साल की सरकार का काम नहीं गिनाते थे। छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर झूठे आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी इज्जत बचाने के लिए बना के रखते थे, जो ईडी आईडी का प्रेस विज्ञप्ति होता था उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ में पढ़ते थे। आवाज तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जी अर्पणा जी बोलिए। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में एक महीन लकीर होती है, इसी का हम जिक्र कर रहे थे। आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है, एग्जिट पोल भी दिखा रहा है, एग्जैक्ट पोल भी दिखाएगा, मान लेते हैं सर आपकी बात, लेकिन खेला होबे का डर नहीं है तो क्या ये निर्देश नहीं भिजवाए गए कि जो भी विधायक बने जल्द से जल्द सर्टिफिकेट लेकर सीधा बोरिया बस्तर लेकर पहुंच जाए, कुछ ना हो जाए, कर्नाटका पहुंचना सबको, कर्नाटका में बुक भी हो गया है रिजॉर्ट, इसी बात का डर है ना अर्पणा जी, कोचिंग ना। अभी अभी जो लोग इस डिबेट में नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कर्नाटक में, क्या करते हैं महाराष्ट्र में, क्या किया उन्होंने मध्य प्रदेश में, इसी के तो गुरु हैं वो विश्व गुरु नहीं है, वो लोकतंत्र के गुरु घंटाल हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ो, लोकतंत्र क्या हुआ 60 के दशक में जाना पड़ेगा सर, इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए सरकारें गिरा दी जाती है। नहीं, अभी आप अभिनव बरौलिया साहब ठीक, मैं एक कमेंट ले रहा हूँ, अपने कांग्रेस राय साहब सुन लीजिए, राय साहब सुन लीजिए, अब आप जरा अडानी और अंबानी के लिए काम करने वाले, बहुत बड़ी बात, अब आप बेरोजगारी हेलो दीप, आज भारत यात्रा करनी पड़ रही है, आज नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करनी पड़ रही है, मणिपुर जल रहा है, मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है कि मोहब्बत जो आप बांट रहे हो कुछ दुकान में मिलता है, मैं तो मोहब्बत खरीदने के लिए तैयार हूँ, वो मोहब्बत की दुकान ही नहीं मुझे दिख रही है। अब आप एक चीज सुन लीजिए कि आपको कहने का अधिकार नहीं है, 90 निर्वाचित सरकारों को कांग्रेस ने अपने रेजिम में गिराने का काम किया, 90 और 40 अध्यादेश लाया पार्लियामेंट में, इसलिए आपको यह कहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, गुरु घंटाल और इस सब तरीके का, इस सब शब्द का प्रयोग देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हरिया में अंधकार मचाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी लाकर, आपको बोलने का हक नहीं है, आप ये सब नहीं। अरे राय साहब सुनिए आप चलिए और रिएक्शन ले लेते हैं, चलिए वापस आ जाते हैं 2023 में आते हैं, चलिए अभी 24 में भी बैठना है, 3 तारीख को भी चर्चा करनी है, करेंगे चर्चा करेंगे, सबको बुरी लगती है, ठीक है सर शांत हो जाइए सर, अभी तो देखिए जश्न बाकी है ना, पिक्चर बाकी है, जश्न भी तो बाकी है, ठीक है यहाँ पर राणा सर मध्य प्रदेश का मिठाई को भी ले आइए छत्तीसगढ़, चलिए राणा सर का एक कमेंट ले लेते हैं प्लीज। देखिए ऐसा है कि जब चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कर दिया, प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने चुप, मतलब हम शब्द को यूज नहीं करना चाहते, देखिए ऐसा है कि अपने पे गिरामान में भी झांक के देखना चाहिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ, 30 सेकंड में बात को खत्म कर दूंगा। देखिए ओबीसी का ढिंडोरा लेके पीट रहे हैं पूरे राहुल गांधी हर सभा में जा करके, भाई 1955 में एक रिपोर्ट आई थी उसको इंप्लीमेंट चाचा जी ने नहीं किया, भाई ये 90 में मंडल कमीशन आया, सॉरी 80 में मंडल कमीशन आया तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने नहीं किया, उसको भूल जाते 2023 पे आ जाते हैं, सब महंगाई की बात करते हैं, भाई जाके देखिए सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ बिक रहा है, राजस्थान में, बेरोजगारी पे आता है 27% बेरोजगारी कहाँ पे, राजस्थान, भाई अपने प्रदेश में अब अच्छा तो कर दो ना, भूल जाओ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, लेकिन यही समस्या है कि ये आरोप लगाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि इनके पीछे जो इनकी जहां पे सरकारें चल रही उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। मैं 5 सेकंड ले रहा हूं जी प्लीज। भाई देखिए कर्नाटका में इन्होंने वादा किया था कि 10 किलो चावल देंगे, उसके लिए 10 लाख क्विंटल की जरूरत पड़ती है, इनके पास 3 लाख क्विंटल आज तक चावल नहीं दे पाए, तो भाई वादे करने हैं कुछ भी बोल दो लेकिन पूरा करने के लिए समान होना चाहिए, आज के दिन में कर्नाटका गवर्नमेंट का पैसा नहीं फट देने के लिए स्कीम इन हिमाचल। ठीक अभिनव बरौलिया अगर आप जुड़े हुए हैं, अभिनव जी एक सवाल आपसे,
चूंकि मुद्दे की बात आ गई, मैं 30 सीटों पर सवाल करना चाह रहा था, पर उससे ज्यादा जरूरी सवाल यह दरअसल रह गया है। आप ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, 2013 तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब भी आपका एक सर्वे था, उसका नाम कुछ अलग था, वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हो पाई, खर्चा बड़ा लंबा था उसमें। सिद्धारमैया अपने पिछले कार्यकाल में कर्नाटक में ये प्रयोग कर चुके हैं, वहां पर भी जातिगत जनगणना आई, पब्लिक डोमेन में है, सदन में कभी रखी नहीं गई। अब आप फिर से वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना उसी को लेकर आप गए। बहुत शॉर्ट में बरोलिया साहब, देखिए सर, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, बहुत देर से आप लोग की डिबेट सुन रहा हूँ, कम से कम 20-25 मिनट हो गया है, कोई उसमें निचोड़ निकल के मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, मुश्किल से परसों का दिन है और ये चरिश्मा करिश्मा की जो बात चल रही है मोदी जी का, वो भ्रम भी टूट जाएगा, पांचों राज्यों में सरकार बनेगी। जिस तरीके से भ्रम कर्नाटक में टूटा था, मोदी जी ने जिस तरीके से बोला था जय बजरंगबली और बोला था कि बटन दबाना बजरंगबली जी के नाम पे, 40 सीटों पे जमानत जब्त हुई, यही वही मोदी जी हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके से उनका चरिश्मा करिश्मा टूटा था और अब ये जो चरिश्मा और करिश्मा है पांचों राज्यों में टूटने जा रहा है। जातिगत जनगणना भी होगी, ठीक, सिलेंडर भी 450-500 का जो ये अभी बोल रहे हैं ना हम कर देंगे जनता को भ्रमित करने के लिए, और चैनल्स का जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है वो भ्रम भी टूटेगा। अब मोदी शाह, इनका कोई डर किसी के दिल में नहीं है सर, कोई डर नहीं है मोदी शाह का, मोदी शाह से कोई नहीं डरता है, अब मोदी शाह से अब कोई नहीं डरता है, जनता सब समझ चुकी है। मुश्किल से 48 घंटे बचे हैं, सारा भ्रम टूट जाएगा, जनता ने जिसको चुना है, ईडी सीबीआई सब कुछ, कर्नाटक में सारी चीजें, कर्नाटक सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गुजरात में आपको नहीं चुना, हिमाचल में आपको चुना, बाकी जगह नहीं चुना, ठीक है, पिछले 5 सालों या पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड देख, मुझे आप बता दिए 2 साल के चुनाव में कहां जीत गई गुजरात छोड़ के, सुनिए एक बात, गुजरात छोड़ के कहां जीत गई भाजपा, बात कही जाती है हर घर परिवार में, सुपड़ा साफ है, बोल बोलिए, खरीदी हुई सरकार चला रहे थे, 3 तारीख का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन बात महाराष्ट्र में चला रहे हैं, बात सुन लीजिए, 25 मिनट आपने इंतजार किया, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, लगातार कल से हर किसी से पूछ रही हूँ कि अगर 18 साल बाद भी आप लोगों को ये कहना पड़ जाए कि रिजल्ट आने तक का वेट कर लीजिए सर, तो आपने किया क्या, आपके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया क्या, अरे क्या जनता आप इंतजार करते रहे कि इनकम्बेंसी आएगी और जीत आपको जनता चुनकर दे देगी, गिफ्ट में दे देगी, खुशी है, जनता की आवाज उठाई है, जनता हमारे साथ लड़ रही थी, संविदा कर्मचारी डंडे खा रहे थे सड़कों पर, नर्सिंग स्टूडेंट डंडे खा रहे थे, युवा 12 लाख बच्चे पटवारी घोटाले में जिस तरीके से परेशान हुए, वो युवा हमारे साथ है, हमें पता है एग्जिट पोल की हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है 150+ सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे, इसी चैनल पे आपके चैनल पे बैठूंगा मैं शाम को, परसों, बिल्कुल सर, तब आप लोगों से बात करूंगा, और ये जो चरिश्मा और करिश्मा है, चलिए एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, चरिश्मा करिश्मा ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, बहुत अच्छी बात है, ये बता दीजिए आप बोल रहे थे बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, त्राही माम मचा हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान और हिमाचल में क्यों नहीं दिख रहा मान्यवर, आपको कर्नाटका का रेट बताऊं, कर्नाटका में बिजली 40% बढ़ गई, महिलाओं को फ्री बस यात्रा करानी थी 10% रेट बढ़ा दिया, तो भैया किस किस भुलावे में रहते हो आप, अपने आप को देख तो लो, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका पूरा हक बनता है पॉलिटिक्स करने का, लेकिन जो अपर्णा जी का प्रश्न था वो वाजिब प्रश्न है कि 18 से 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आपको इंतजार करना पड़ रहा है, आपको याद होगा 2014 में जो सुनामी आने वाली थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चल गया सरकार बदल रही है, वैसे ही सुनामी आनी चाहिए थी, लेकिन सुनामी दिख नहीं रही है, तो ये प्रश्न चिन्ह उठेगा और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, घबराना नहीं चाहिए, चलिए वक्त की अपनी सीमाएं हैं, कुछ मेहमानों को अगर लगता है कम वक्त मिला तो उसके लिए मुआफी, चर्चाओं के जो सिलसिले हैं वो लगातार चलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चर्चाओं के ये सिलसिले लगातार चलेंगे, इसी तरह से हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर दोहरा दें कि ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है।